भाई रॉकी आया है। रॉकी आप अभी उसे समझा कर सबक सिखा दोगे तो तुम्हारा भाई देवदास बनने से बच जाएगा, क्योंकि मुझे तो मेरी वाली पर पूरी तरह से प्यार हो गया है, और प्यार होने के बाद जो होना चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप हो चुका है। तू अभी बच्चा है और जानता है बच्चे को बच्चे जैसा ही रहना चाहिए। मेरी बात समझा तू? अगर तू ज्यादा उड़ने की कोशिश करेगा ना तो तेरे दोनों पैर काट दिए जाएंगे, हाथों को हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। क्या ये? उस दिन तो तू बोल रहा था कि वो लड़की मेरे भाई से प्यार करती है, वो एक बार उससे मिल ले, और आज कह रहा है कि मेरा भाई तुम्हारी प्रेमिका के साथ घूम रहा है, पागल हो गया है क्या? उस दिन की कहानी कुछ और थी, आज की कहानी कुछ और है। उस दिन खाना खाया था तो क्या आज खाना खाना छोड़ देंगे? मेरा तभी वन साइड लव था भाई, लेकिन अब मेरी वाली को भी मुझसे प्यार हो गया है पता चल चुका है। अगर तेरा भाई नहीं होता तो उस जगह मैं होता, ऐसा उसने बोल दिया है भाई। वो सुनने के बाद भी मेरे साइड में कोई दूसरा घर बना रहा है तो मैं कैसे चुप रहूंगा यार। अरे सुन मेरे भाई, अभी तेरी शादी की उम्र नहीं हुई है, अभी बहुत समय बाकी है यार। दिखने में तो तू एक हीरो जैसा लगता है, मजाक भी सही करता है। देख इस दुनिया में हजारों लाखों लड़कियां पड़ी हुई हैं, कोई ना कोई तो तुझसे पट ही जाएगी। मेरा भाई उससे प्यार करता है, तू रास्ते से हट जा। मेरा भाई इनोसेंट है, उसकी शादी की उम्र हो गई है, लड़कियों से दूर रहता है, वो श्री रामचंद्र की तरह है, वो पहली बार किसी लड़की से प्यार कर रहा है, ऐसा मुझे बोल रहे हो क्या? देखो भाई, मुझे ट्रेन में चढ़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं रोज ही ट्रेन में घूमता रहता हूँ, ऐसे बहुत देख चुका हूँ भाई, गहरे गहरे कुएं में कूद कर आया हूँ, इसलिए मेरे सामने ज्यादा झाड़ने की कोशिश भी मत करना। वैसे दूसरा ऑप्शन ही नहीं है भाई, एक काम करो ना, किसी एक संडे को अपने भाई को बिठा कर अच्छे से समझा देना, नहीं तो एक दिन उसे मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। देख वो मुझसे कह रहा था कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगा, वो उस लड़की से जान से भी ज्यादा प्यार करता है, अगर वो उसे नहीं मिलेगी तो वो अपनी जान तक दे देगा। आपका भाई जान देना चाहता है तो मैं अपनी जान क्यों दूं भाई? लाइफ में कुछ भी दान करके अच्छा आदमी है ऐसा नाम कमाने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है भाई। उसे चाहे आप ही त्याग करो ना भाई, आपके भाई को करण का पाठ दे दो और हम दोनों को आशीर्वाद दे दो, हम दोनों आधा दर्जन बच्चे पैदा करके आराम से खुशी खुशी रह लेंगे। चलता हूँ। मैं अपने भाई को दुखी नहीं देख सकता हूँ, उससे पूछे बिना इस घर में कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उसी की मर्जी का खाना भी बनता है। नंदू को गुस्सा आएगा तो निशाना लगाएगा और वो मिस नहीं होगा। ओए, अंदर क्या कर रहे हो, सब बाहर आ जाओ। अब शुरू हो जाओ, इसकी तकदीर में यही लिखा है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। प्यार के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। लाश उठाने वाले को लाशों पर से फूल उठाना कौन सी बड़ी बात है?
इतने लोगों को मारा है तो तुझे और तेरे भाई को मार नहीं सकता क्या? अरे डरो मत यार, मैं आपको नहीं मारूंगा। अरे मेरी लवर के जब भाई हो तो मेरे तो साले हो गए ना। चलता हूं। मैं जो कर रहा हूं वो बहुत ही गलत है। अगर अभी मैंने ये नहीं किया तो आगे बहुत बड़ी गलती होगी। आई एम सॉरी विशो। बड़े बड़े शूरमा मेरे सामने आकर सर झुका लेते हैं, और इस कल के आए हुए बच्चे की हैसियत क्या है? इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे भाई को चोट पहुंचाई? कौन हो तुम सब लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये कमीना तो यहीं पर है, तो फिर छोटे को किसने मारा? हाँ क्यों बॉस, कैसा लग रहा है? उसे छोड़ेंगे नहीं बॉस, जान से मार देंगे आज। हाँ आने दो उसे। गुरु, वो नंदू का भाई। हाँ? आज वो बच के नहीं जाना चाहिए, खत्म कर देंगे उसे आज। चल गाड़ी चला, जल्दी। हाँ? चला, देखते हैं, पकड़ते हैं उसे। विशु, विशु क्या हुआ? विशु समरी है? रॉकी, रॉकी प्लीज हेल्प हिम, हॉस्पिटल ले जाओ इसे, विशु को हॉस्पिटल लेकर जाओ प्लीज। विशु जस्ट मिस, थैंक्स। एक मिनट लेट होता तो मैं तुम्हें मार देता, लेकिन ये गंदा काम मैं नहीं करना चाहता था। हाँ, और ऐसा गंदा काम मुझसे ना हो जाए इसलिए भगवान ने किसी और को भेज दिया। अबे कमीने, मुझे बताए बिना तुम मेरी वाली को बाहर घुमाने ले जाएगा, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। बहुत ही अच्छा हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट मिस हो गया। अगर तू एक हफ्ता यहीं रहेगा ना तो मैं कभी मिस नहीं करूंगा, उल्टा मैं और उषा बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। सॉरी बॉस, जस्ट मिस। संभाल कर रहना बॉस, संभाल कर। उषा, ये टैबलेट्स टाइम पर लेना। तुम जूस पियो ना बॉस, जूस पियो, जूस पी लो। रॉकी, इसके चेकअप के लिए डॉक्टर आए हैं, हम चलते हैं। हाँ चलते हैं। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके बाय। उषा, बॉस, अरे तुम रेस्ट ले लो बॉस, मैं आता हूँ। हाँ उषा, डैम इट,